ट्वेल्थ करने के बाद सभी का सपना होता है कि वो किसी अच्छे कॉलेज में या फिर विदेश में जाकर के स्टडी करे, लेकिन टैलेंट के बावजूद भी महंगी होती जा रही हायर स्टडीज की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपका भी ऐसा ही कोई सपना है तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपका सहारा बन सकता है एजुकेशन लोन। आजकल लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक एजुकेशन लोन देते हैं। हालांकि एजुकेशन लोन मिलना इजी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकता है। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एजुकेशन लोन क्या होता है, किनको दिया जाता है, एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एजुकेशन लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको चार रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट की एज 16 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। हालांकि RBI की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि स्टूडेंट की एज 16 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये बैंक्स की अपनी पॉलिसी होती है, इसलिए स्टूडेंट्स की एज 16 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट का एडमिशन इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में या फिर विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में कन्फर्म होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो आपको कोई गारंटर या फिर कोई एसेट देनी होती है। एजुकेशन लोन वेरियस करियर ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल वगैरह में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन लोन मिल जाता है। बैंक्स कोई भी लोन देने से पहले उसकी वसूली श्योर करते हैं, इसलिए लोन ऐसे लोगों को दिया जाता है जो उसके रिपेमेंट की कैपेसिटी रखते हैं। एजुकेशन लोन का भुगतान स्टूडेंट के गार्जियन भी कर सकते हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट भी कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन में आपको कितने अमाउंट्स तक का लोन मिल सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आप विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए के बीच में लोन मिल सकता है। आप फीस के साथ साथ ही एक्स्ट्रा खर्चे जैसे हॉस्टल का किराया, एग्जाम फीस, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की फीस, किताबें, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म वगैरह के खर्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने पास से एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट आपको बैंक पे करेगा। लेकिन अगर आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो फिर बैंक्स आपको सिर्फ 80% तक ही लोन देंगे, बाकी का जो 20% है वो आपको अपने पास से खर्च करना होता है, इसको मार्जिन मनी भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन लोन लेने से पहले ये जरूरी है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप उनको पहले ही तैयार कर लें, ताकि आपको लोन लेने के लिए किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक से आपको एक फॉर्म लेना होता है और उसको भरकर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसको सबमिट करना होता है। एजुकेशन लोन के लिए स्टूडेंट का आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एकेडमिक रिकॉर्ड लिया जाता है। लोन लेने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट या गार्जियन का इनकम और एड्रेस प्रूफ लिया जाता है। जिस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट का एडमिशन कन्फर्म हुआ है उस इंस्टीट्यूट के एडमिशन लेटर की कॉपी भी होनी चाहिए। अबॉर्ड स्टडी के लिए जाने वाले स्टूडेंट को वीजा अप्रूवल, GRE, GMAT वगैरह के टेस्ट स्कोर और ट्रेवल से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जमा करनी होती है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है तो लोन मिलने में आपको काफी आसानी हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं गारंटर के बारे में। ज्यादातर बैंकों में 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए गारंटर की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है। गारंटर लोन लेने वाले के गार्जियंस या फिर रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिन पर बैंक्स भरोसा कर सके। आमतौर पर भारत में स्टडी करने के लिए बैंक 5 से 15 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और विदेश में स्टडी करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। 4 से 7.5 लाख रुपए तक का लोन आप गारंटर की हेल्प से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो बैंक प्रॉपर्टी के पेपर्स या ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट जमानत के रूप में आपसे मांग सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। एजुकेशन लोन पर ब्याज दर आमतौर पर 11% से 14% के बीच में होती है, लेकिन कुछ बैंक इससे ज्यादा भी ब्याज लेते हैं।
कई बैंक्स गर्ल्स के लिए कम ब्याज दर रखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एजुकेशन लोन पर सालाना 11 से 13.75% तक ब्याज लेता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गर्ल्स के लिए स्पेशल एजुकेशन लोन दरें तय कर रखी है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक में एजुकेशन लोन पर ब्याज दर फिलहाल 12 से 14% है और एक्सिस बैंक के एजुकेशन लोन की ब्याज दर 15 से 18% के बीच में होती है। बाकी आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं वहां से आपको कंफर्म करना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन पे करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एजुकेशन लोन की वसूली के लिए बैंक आपको कई ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो कोर्स फाइनल होने के बाद आप कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। कई बैंक्स कोर्स फाइनल होने के 1 साल के बाद या फिर नौकरी लगने के 6 महीने के बाद रिपेमेंट शुरू करने का ऑप्शन देते हैं। कुछ बैंक्स कोर्स पूरा होने के बाद EMI तय कर देते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो लोन मिलने के तुरंत बाद भी आप EMI का भुगतान कर सकते हैं। एजुकेशन लोन पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, तो चलिए अब हम इनकम टैक्स छूट के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत इनकम टैक्स में छूट का प्रोविजन किया गया है। एजुकेशन लोन पर दिए गए ब्याज को आप अपनी इनकम में से घटा सकते हैं। जब से आपकी EMI शुरू होती है तब से लेकर के अगले 8 साल तक आप जितना भी ब्याज पे करते हैं वो आप अपनी इनकम में से घटा सकते हैं। अगर लोन गार्जियन के नाम पर है तो फिर स्टूडेंट उसका फायदा नहीं ले सकता है, लेकिन अगर लोन स्टूडेंट के नाम पर है तो फिर स्टूडेंट इनकम टैक्स में छूट का फायदा ले सकता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एजुकेशन लोन क्या होता है, एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या तरीका होता है और एजुकेशन लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट आपको देना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।